मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, उम्मीद करते हैं आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। माँ सरस्वती कंप्यूटर सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं लिस्ट बॉक्स का पार्ट टू। पिछले वीडियो में हम लोग यूजर फॉर्म में लिस्ट बॉक्स बनाना सीखे थे, जो हम लोग का बेसिक था। आज हम लोग बेसिक से थोड़ा एडवांस की ओर बढ़ रहे हैं। आज हम लोग सीखेंगे, अगर आपके पास यूजर फॉर्म वन में कुछ डेटा है तो आप यूजर फॉर्म टू में लिस्ट बॉक्स में आप उस डेटा को ट्रांसफर कैसे करेंगे। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखने का मेरा रिक्वेस्ट रहा। और बिना समय को नष्ट किए चलते हैं अपने एमएस एक्सेल के वर्कशीट पर और देख लेते हैं ये कैसे पॉसिबल है। सो लेट्स गो। जैसे कि हम लोग आ गए हैं एमएस एक्सेल के वर्कशीट पर और आज हम लोग सीखने वाले हैं लिस्ट बॉक्स का पार्ट टू। यूजर फॉर्म में हम लोग पिछले वीडियो में लिस्ट बॉक्स बनाना सीखे थे और वो बेसिक था। आज हम लोग सीखने वाले हैं लिस्ट बॉक्स का पार्ट टू, जिसमें हम लोग कुछ एडवांस लेवल पर सीखने वाले हैं। किसी देखिए, जैसे हम लोग यहाँ पर शो बटन यहाँ पर शो कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार के यूजर फॉर्म ओपन होंगे। आप जैसे ऐड ट्रांजेक्शन में क्लिक करेंगे तो एक अलग से यूजर फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएंगे। अब जैसे ही आप यहाँ पर रिकॉर्ड को टाइप डेटा को टाइप कीजिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं कुछ डेटा टाइप करता हूँ और यहाँ पर सेव रिकॉर्ड में क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली डेटा देखिए हम लोगों का यहाँ पर आके स्टोर हो गया। तो एक यूजर फॉर्म में अगर हम लोग कोई डेटा टाइप करते हैं तो दूसरे यूजर फॉर्म के लिस्ट बॉक्स में ये ऑटोमेटिकली डेटा जो है सेव हो जा रहा है। तो ये किस प्रकार से लिस्ट बॉक्स के द्वारा संभव है, आज के टॉपिक में हम लोग इसी चीज को सीखने वाले हैं। तो चलिए इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं और एक नया वर्कशीट को ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसको क्लोज कर देते हैं और एक नया वर्कशीट जो है इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। आ गए हम लोग के पास एक नया वर्कशीट। इसमें जो है हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोगों को इसमें डेवलपर टैब को ओपन कर लेना है। तो डेवलपर टैब आपको यहाँ मिलेंगे और यहाँ से आपको चले जाना है विजुअल बेसिक पर। अब विजुअल बेसिक में क्लिक कीजिए तो सबसे पहले आपको तो यूजर फॉर्म आपको बनाना होगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले यूजर फॉर्म में क्लिक करते हैं और एक डिज़ाइन तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग लेबल लेंगे और यहाँ पर हम लोग इसमें टाइप कर देंगे स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। जैसे कि हम लोग स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन कुछ बना रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर नाम दे देंगे स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, इस प्रकार से। अब हम लोग करेंगे क्या, लेबल लेंगे और फिर से यहाँ पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम लोग टाइप करेंगे डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जिस डेट को आपका स्टूडेंट ज्वाइनिंग हो रहे हैं। फिर एक बार क्लिक कीजिए, फिर यहाँ पर लेबल लीजिए, फिर यहाँ पर आपको टाइप करना है, हम लोग टाइप कर देते हैं यहाँ पर नेम ऑफ स्टूडेंट। बार बार अगर आपको लगता है कि बार बार टू कंट्रोल बॉक्स में क्लिक करके आपको लाना है तो ऐसा नहीं करना है, आप कंट्रोल को होल्ड करके रखिए और यहाँ पर आपको छोड़ दीजिए तो ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ पर आपका कॉपी होके आ जाएंगे। यहाँ पर आपको टाइप कर देना है क्लास, ये हो गया। फिर आपको क्लिक करना है, फिर इसको होल्ड करना है, कंट्रोल के साथ क्लिक करके आप लाइए। यहां पर आपको टाइप करना है रोल नंबर, इस प्रकार से हो गया। थोड़ा मैं छोटा कर देता हूं इसको ताकि जगह हमको थोड़ा मिल जाए। फिर आपको इसको कंट्रोल के साथ होल्ड करके यहां पर रखना है, यहां पर लाके छोड़ देना है। यहां पर हम लोग लिख लेते हैं एड्रेस, यह हो गया। अब हम लोग को टेस्ट बॉक्स लेंगे, फिर आपको यहाँ पर कंट्रोल को होल्ड करके रखना है और आपको इसको लेके आ जाना है, देखिए कुछ इस प्रकार से। फिर इसमें होल्ड करके रखिए कंट्रोल को और इसको लेके आ जाइए, फिर इसको होल्ड करके रखिए यहाँ पर लेके आ जाइए, फिर इसको होल्ड करके रखिए कंट्रोल को होल्ड करके रखिए, देखिए ड्रैग के माध्यम से आप ले आ सकते हैं। अब आते हैं इसका साइज पर, तो आप प्रॉपर्टीज विंडो में क्लिक कर दीजिए यहाँ पर और यहाँ पर जो है आप इसका साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। तो फॉन्ट में चले जाते हैं और फॉन्ट में आपको मिलेंगे थ्री डॉट्स, इसमें क्लिक करना है। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से बोल्ड कर दीजिए, इसका साइज को आप मिनिमम जो है 36 कर दीजिए, देखिए यहाँ पर आ जाता है। थोड़ा सा इसको आप बढ़ा लीजिए इस प्रकार से,
थोड़ा और बढ़ा लीजिए। देखिए अगर जगह पर अक्कड़ नहीं आ रहा है तो आपका साइज बहुत ज़्यादा हो गया होगा, 28 कर दीजिए। देखिए यहाँ पर आ गया, इसको थोड़ा सा आपको यहाँ कर देना है, बस यहाँ काम हो गया आपके पास। अब इसको जो है आप पूरे को सिलेक्ट कर लीजिए और इसको थोड़ा सा पकड़ के आप यहाँ पर कर दीजिए। एक चीज़ आपको और कर लेना है, जब आप इतना तक कर ही रहे हैं तो आप एक काम और कर लीजिए ताकि ये डबल डबल ना हो, एक बार चेक कर लीजिए। देखिए टेक्स्ट बॉक्स 1 है, टेक्स्ट बॉक्स 2, टेक्स्ट बॉक्स 3, टेक्स्ट बॉक्स 4, टेक्स्ट बॉक्स 5, बिल्कुल सही है। यहाँ पर भी आपको चेक कर लेना, देखिए लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, एकदम सही है। और यहाँ पर देखिए लेवल 1 बिल्कुल दिखा रहा है। अब आप चाहते हैं कि ये बॉर्डर आपको यहाँ पर शो ना हो, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर आप चले जाइए बैक स्टाइल में। यहाँ पर आपको मिलेंगे 0, ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे, तो आपको ये बॉर्डर जो था वो नहीं दिखेंगे। और यहाँ पर जो है आप इसका साइज को इंक्रीज कर दीजिए, तो चलिए मैं झट से इसमें साइज भी इंक्रीज कर देता हूँ। यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करते हैं, बोल्ड करते हैं, इसमें मिनिमम साइज जो है 18 कर देते हैं। देखिए यहाँ पर आ गया, अगर ज़्यादा ही बड़ा हो गया तो आप इसको थोड़ा सा छोटा कर दीजिए तो ज़्यादा बढ़िया लगेंगे, 16 कर देते हैं, ओके कर देते हैं। देखिए इस तरह से आया, ठीक है। यहाँ तक हो जाने के बाद आपको क्या करना है, अगर फिर भी आपको लगता है कि दोनों सेट में आपको नहीं करना है तो थोड़ा सा आप इसको जो है छोटा कर सकते हैं, इस प्रकार से आप छोटा कर दीजिए और इसमें जो है आप साइज को इंक्रीज कर दीजिए इस प्रकार से, इस प्रकार से। देखिए एक लाइन पर आ गया। पहले आपको यही चीज़ अच्छा से कर लेना है कि आपका डिज़ाइन जो है वो बढ़िया से बन जाए। अब आपको जो करना है वो आपको कमांड बटन यहाँ पर लेना है और एक कमांड बटन यहाँ से आपको ड्रॉ कर लेना है। इसमें आपको नाम लिख देना है सेव रिकॉर्ड, सेव रिकॉर्ड में आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको इसका साइज को इंक्रीज कर देना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर साइज इंक्रीज कर देते हैं, इसका भी साइज मिनिमम 16 कर देते हैं, ओके कर देते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोगों का यूजर फॉर्म 1 जो है ये आप लोगों का तैयार हो चुका है। अब हम लोग जो तैयार करेंगे वो है यूजर फॉर्म 2। तो यूजर फॉर्म 2 करने के लिए आपको फिर से आपको यूजर फॉर्म में जाना है और यहाँ से एक अलग यूजर फॉर्म ले लेना है। और यहाँ पर आपको जो करना है, यहाँ पर एक कमांड बटन आपको लेना है और यहाँ पर आपको यहाँ पर नाम लिख देना है एड ट्रांजेक्शन, एड ट्रांजेक्शन, यह आपको नाम को लिख देना है। यह हो गया, इसका भी साइज को आप इंक्रीज कर सकते हो, यहां से आप चले जाइए 16 में, ओके कर दीजिए। और इसको जो है आप एक और काम कर सकते हो, इसको बोल्ड कर दीजिए, थोड़ा देखने में बढ़िया लगेंगे, और ओके कर दीजिए। देखिए ये तैयार हो गया, इसको साइज को आप थोड़ा सा इंक्रीज कर दीजिए इस प्रकार से। और यहाँ पर जो है आप लिस्ट बॉक्स लेना है, तो लिस्ट बॉक्स कौन है, ये आपका लिस्ट बॉक्स है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ से यहाँ तक जो है आप इसको सेट कर दीजिए बस, और इसको यहाँ से यहाँ तक आप कर दीजिए, थोड़ा सा इसको और ले लीजिए इस प्रकार से। ये तैयार हो गया, इसका नाम क्या दिखा रहा है, लिस्ट बॉक्स 1। ये आपका डिजाइन जो है वो आपका तैयार हो चुका है। यहाँ तक हो जाने के बाद, हम लोग का फॉर्म डिजाइन हो जाने के बाद, हम लोग रिकॉर्ड को सेव करना सीखेंगे। अब इसके लिए हम लोग को जरूरत पड़ेगा कोडिंग का, तो सबसे पहले सेव रिकॉर्ड को हम लोग यूजर फॉर्म में आ जाते हैं, जैसे कि हम लोग यूजर फॉर्म 2 में थे तो यूजर फॉर्म में 1 में आ जाएंगे और सेव रिकॉर्ड में डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही डबल क्लिक कीजिएगा आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएंगे। अब आपको जो करना है इसमें कुछ कोडिंग आपको टाइप करना है, तो कोडिंग कैसा होगा, यूजर फॉर्म, चलिए मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से देख पाए, यूजर फॉर्म 2, क्योंकि रिकॉर्ड को हम लोग यूजर फॉर्म 2 से हम लोग 2 में रखना चाहेंगे। यूजर फॉर्म 2 डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट एड आइटम, यहां पर मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे फिर से यूजर फॉर्म 2 डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट लिस्ट, इस प्रकार से लिखेंगे, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर से लिखेंगे यूजर फॉर्म 2 डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट लिस्ट काउंट, यहां पर हम लोग लिस्ट काउंट ले लेंगे, माइनस 1 करेंगे, कोमा लगाएंगे, फिर 1 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट, यहाँ तक हो गया, टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट को डॉट भी लिखना है, टेक्स्ट, यहाँ तक हो गया।
यहां तक हो जाने के बाद इसी को आप सिंपल सा इसको कॉपी कर लीजिए कंट्रोल सी से और यहां पर रख के इसको पेस्ट कर दीजिए। ये काम हो गया। बस आपको जो करना है यहां पर वन की जगह टू कर देना है और यहां पर आपको करना है कि बॉक्स थ्री, बस इतना ही आपको करना है। फिर कंट्रोल भी कर दीजिए, यहां पर आपको करना है थ्री, यहां पर आपको कर देना है फोर। यह हो गया। फिर आपको थोड़ा सा मैं साइड कर देता हूं, यहां पर आना है, यहां पर आपको कर देना है इसको फोर और यहां पर आपको कर देना है इसको फाइव। यह हो गया। तो पहला हो गया वन टू थ्री फोर फाइव। इस प्रकार से हमने सारे जो है यहां पर कवर कर चुके हैं। यहां तक हो जाने के बाद आपको क्या करना है, यहां पर आपको सारे बॉक्स मेरा क्लियर हो जाना चाहिए। इसीलिए हम लोग मी टेक्स्ट बॉक्स वन इक्वल टू इनवाइटेड कोमा ओपन इनवाइटेड कोमा क्लोज कर देंगे। इसको भी आप लोग कॉपी कर लीजिए कंट्रोल सी से और यहां पर रख के कंट्रोल डी से पेस्ट कर दीजिए। बस टेक्स्ट बॉक्स वन जहां है वहां पर टू लिख दीजिए। फिर यहां पर आइए, फिर यहां पर भी आपको करना है थ्री, फिर यहां पर आइए, यहां पर भी आपको करना है फोर, फिर आपको कंट्रोल भी करके पेस्ट करके यहां भी आपको कर देना है फाइव। बस आपका कोडिंग यूजर फॉर्म वन का आपका कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं यूजर फॉर्म टू पर। यूजर फॉर्म टू में एक्ट ट्रांजेक्शन में हम लोग डबल क्लिक करते हैं। यहां पर हम लोग को शो क्या करना चाहिए, यूजर फॉर्म वन डॉट शो, मतलब हम जैसे वहां पर क्लिक करें तो हम लोगों का यूजर फॉर्म वन जो है वो ओपन हो जाए। अब हम लोगों को जो करना है वो है ये, इसमें डबल क्लिक करते हैं। यूजर फॉर्म का हम लोग क्लिक में नहीं लिखेंगे, हम लोग इनिशियलाइज में लिखेंगे। यहाँ पर हम लोग क्लिक करते हैं और इसको हम लोग बंद कर देते हैं और यहाँ पर हम लोग छोटा सा एक कोडिंग टाइप करेंगे। अब वो कोडिंग क्या होगा देख लेते हैं। मी डॉट लिस्ट बॉक्स वन डॉट एड आइटम, इसमें हम लोग लिख लेंगे पहला था डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ ज्वाइनिंग यह हो गया। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे मी डॉट लिस्ट बॉक्स वन डॉट लिस्ट, ब्रैकेट ओपन करेंगे, लिस्ट बॉक्स वन डॉट लिस्ट काउंट, यहां पर हम लोग लिस्ट काउंट ले लेंगे। यहां पर हम लोग माइनस वन कोमा वन डाल देंगे, ब्रैकेट ओपन क्लोज कर देंगे और यहां पर इक्वल टू डाल के यहां पर हम लोग टाइप करेंगे नेम ऑफ स्टूडेंट, ये हम लोग टाइप कर लेंगे। बस यहां तक हो जाने के बाद इसको आप कॉपी कर लीजिए कंट्रोल सी से, यहां पर डर के कंट्रोल भी कर दीजिए, फिर कंट्रोल भी कीजिए, फिर कंट्रोल भी कर दीजिए। यहां पर हम लोग को हो गया था। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, टू कर देंगे और यहां पर जहां हम लोग लिखे थे नेम ऑफ स्टूडेंट, इस जगह को थोड़ा सा हम लोग करेक्शन कर लेंगे। यहां पर डाल देंगे हम लोग क्लास, यह हो गया। यहां पर हम लोग करेंगे यहां पर थ्री और यहां पर हम लोग कर देंगे इसको नेम ऑफ स्टूडेंट की जगह में हम लोग कर देंगे रोल नंबर और यहां पर हम लोग कर देंगे इसको एड्रेस, ये हो गया। यहां तक हो जाने के बाद आपको यहां पर टाइप करना है मी डॉट लिस्ट बॉक्स वन डॉट सिलेक्टेड, जो भी सिलेक्टेड आइटम होंगे जीरो। यहां तक हो जाने के बाद आपको यहां पर करना है इक्वल टू और यहां पर कर देना है ट्रू। देखिए यहां तक काम हो गया। यहां तक काम हो जाने के बाद आपको इसको चेक करना है। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं कि हम लोगों का सही सही आया है कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग इसमें रन बटन में क्लिक करेंगे। यहां पर आप ट्रायंगल टाइप का देख रहे हैं, यहां पर क्लिक कर दीजिए और यहां पर देखिए हम लोग का एट ट्रांजेक्शन आ चुका है। अब यहां पर जैसे हम लोग क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने देखिए इस तरह के यूजर फॉर्म ओपन हो जाएंगे। अब जैसे हम लोग यहां पर टाइप करके देखते हैं, जैसे मान लीजिए 5 सितंबर है, देखिए लिखा है बहुत छोटा छोटा हो रहा है क्योंकि हमने इसका साइज को इंक्रीज नहीं करवाया है। तो चलिए अभी हम लोग करवा देते हैं, पहले हम लोग इसको देख लेते हैं सही काम कर रहा है या नहीं। रोल नंबर वन रे वन क्लास एड्रेस है, यहाँ तक टाइप करने के बाद सेव रिकॉर्ड में क्लिक करते हैं। देखिए वाओ, बहुत अच्छा से ये काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा साइज को हमको इंक्रीज करना है। तो चलिए साइज इंक्रीज करने के लिए हम लोग करते हैं यूजर फॉर्म वन में क्लिक और यहाँ पर इस सारे को हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं एक बार और यहाँ पर चले जाते हैं हम लोग फॉन्ट। फॉन्ट में थ्री डॉट्स मिलेंगे, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको बोल्ड तो है ही, इसमें आपको कर देना है 16, ओके कर देना है। बस इतना ही आपको काम करना है, देन आपको करना है इसको रन बटन में क्लिक। तो जैसे हम लोग रन बटन में क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए हम लोग के सामने ये ओपन हो जाएंगे। तो फिलहाल तो हम लोग को ये नहीं चाहिए, हम लोग चाहिए यूजर फॉर्म टू और एड ट्रांजेक्शन में हम लोग जैसे क्लिक करेंगे
देखिए हम लोग के सामने ये ओपन हो जाएंगे। अब यहाँ पर टाइप करते हैं हम लोग कुछ भी नाम, जैसे मनोज टाइप, सॉरी हम लोग आज का डेट टाइप करते हैं 5 सितंबर। यहाँ पर टाइप करते हैं मनोज कुमार, यहाँ पर डाल देते हैं क्लास 8, रोल नंबर 101, एड्रेस डाल देते हैं। तो अब इसको सेव रिकॉर्ड पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर रिकॉर्ड सेव हो रहा है। और भी हम लोग नाम जोड़ना चाहते हैं, जैसे आज के डेट में 5 सितंबर 2024 मान लीजिए हम लोग कोई और नाम डाल देते हैं, सोहन क्लास 8 रोल नंबर 182, एड्रेस डाल देते हैं दुमका, और सेव रिकॉर्ड में क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ भी आ गया है। तो इस प्रकार से आप रिकॉर्ड को बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर ला सकते हैं। एक चीज़ आप लोगों को ध्यान देना है कि यहाँ पर मैं क्लोज करता हूँ या भी क्लोज करता हूँ, लिस्ट बॉक्स जो है आपको लिस्ट बॉक्स में जो है यहाँ पर आपको एक प्रॉपर्टीज विंडो में एक चीज़ का सेटिंग आपको करना होगा। देखिए ये चीज़ मैं बता देता हूँ, कॉलम काउंट। ये कॉलम काउंट में आपको यहाँ पर पहले 1 लिखा हुआ रहता है, तो देखिए अगर आपको यहाँ पर 1 मिलेगा तो आप इसको रन कीजिएगा तो आपको क्या मिल रहा है, एक मिनट जरा सर। देखिए इसमें आपको सिर्फ डेट ऑफ ज्वाइनिंग शो हो रहा है, तो ये भी समझना बहुत जरूरी है कि आपको यहाँ पर कितने हेडिंग्स हैं। जैसे फॉर्म 1 में चले जाते 1, 2, 3, 4, 5 हेडिंग है, तो आपको यूजर फॉर्म 2 के लिस्ट बॉक्स में 5 कॉलम आपको बनाना है। तो आपको कॉलम काउंट में यहाँ पर आपको एक सेटिंग करना है जिसमें आपको टाइप कर देना है 5, देन आप यहाँ पर रन बटन में अब आपको क्लिक करना है तो देखिए यहाँ पर आपको 5 आ जाएंगे, है ना। अब हम लोग सीखेंगे कि एक्सेल से आप कैसे इसको ओपन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको डेवलपर टैब में आपको मिलेंगे इंसर्ट ऑप्शन, यहाँ पर क्लिक कीजिए। यहाँ से आपको ActiveX कंट्रोल्स में कमांड बटन का ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ से आप इसको ट्रैक कर लीजिए। यहाँ पर आप राइट क्लिक कीजिए, यहाँ से मिलेंगे आपको प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज विंडो खुल जाएंगे। यहाँ से कैप्शन में आके आप इसका नाम को चेंज कर दीजिए, तो नाम आप दे दीजिए यहाँ पर शो, यहाँ पर हो गया। इसका फॉन्ट को आप चेंज कर दीजिए, इसको बोल्ड कर दीजिए, इसका साइज कम से कम 16 रख दीजिए, ओके कर दीजिए। देखिए हम लोग एक्सेल में चले जाते हैं, देखिए यहाँ पर फॉन्ट साइज भी चेंज हो गया। राइट क्लिक करके हम लोग व्यू कोड में चले जाते हैं और यहाँ पर टाइप कर देते हैं यूजर फॉर्म 2.so, बस आपको ये टाइप कर देना है। अब आपका काम खत्म हुआ, एक्सेल में आ जाइए और यहाँ पर इसको जो है इसको हम लोग डिजाइन मोड में क्लिक करते हैं और इसको यहाँ से ऑफ कर देंगे। अब जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा ना, थोड़ा मैं जूम आउट कर देता हूँ, तो देखिए आपके सामने ये ओपन हो जाएंगे। एड ट्रांजेक्शन में हम लोग जैसे क्लिक करेंगे यूजर फॉर्म 1 ओपन हो जाएंगे। अब जैसे आप यहाँ पर टाइप करेंगे, जैसे मैं कल का डेट टाइप करता हूँ, यहाँ पर नेम ऑफ स्टूडेंट में मैं लिखता हूँ राजा क्लास 8 रोल नंबर 101 एड्रेस है देवघर, देन सेव रिकॉर्ड में क्लिक करते हैं तो देखिए देखा डेटा मेरा यहाँ पर आ गया। फिर दूसरा रिकॉर्ड हम लोग टाइप करते हैं, जैसे मनोज, सॉरी पहले डेट लिख देते हैं, यहाँ टाइप करते हैं मनोज क्लास में हम लोग 8 रोल नंबर 182 एड्रेस में हम लोग दुमका टाइप करके सेव रिकॉर्ड में। देखिए यहाँ पर आपका रिकॉर्ड आ गया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा से समझ में आ गया है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और कमेंट अवश्य कीजिए, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो आज के लिए मेरा वीडियो इतना ही है। जय हिंद, जय भारत।